राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी चल रही है और यात्रा गुना पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के साथ जीतू पटवारी, विधायक जयवर्धन सिंह भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कुछ ही देर बाद ये यात्रा राधोगढ़ पहुंचेगी। शाम को 4 बजे ब्यावरा पीपल चौराहे पर एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। इंदौर नाका, मुल्तानपुरा, भोपाल बाईपास ये यात्रा पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले शेरपुरा गांव में खाट पंचायत राहुल गांधी करेंगे। खाट पंचायत में मध्य प्रदेश के 200 किसान भी हिस्सा लेंगे। भाट खेड़ी के पास राहुल गांधी का रात्रि विश्राम रहेगा। आपको बता दें कि ये यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। दरअसल राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की एक रैली में शामिल होने के लिए पटना जाना था, उसकी वजह से एक दिन ये यात्रा लेट हुई है और उसके बाद आज फिर शिवपुरी से इस यात्रा की शुरुआत की गई और अब ये यात्रा गुना पहुंच चुकी है। गुना में ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, राहुल गांधी खुली जीप में बैठकर निकल रहे हैं, लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं, अभिवादन स्वीकार लोगों का करते हुए जा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम लोग भी राहुल गांधी को देख रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें इस वक्त की आपके सामने, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और बहुत महत्वपूर्ण है। ग्वालियर चंबल इलाके को कवर किया जा रहा है जहां की विधानसभा में 16 सीटें कांग्रेस ने जीती है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ इस वक्त सूरज लाइव जुड़ गए। सूरज, तस्वीरें दिखाइए जल्दी से, ग्वालियर चंबल का इलाका कवर करने की कोशिश यात्रा के जरिए। देखिए बिल्कुल, यात्रा अब राघोगढ़ पहुंच चुकी है और तस्वीरें आप दिखाएं तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राघोगढ़ में एंटर हो चुकी है और शहर में रोड शो किया जा रहा है। तस्वीरों देखिए, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, प्रियवर सिंह और राघोगढ़ में ये यात्रा अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोड शो के माध्यम से कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और ये वो क्षेत्र खासतौर से जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का इसको इलाका कहा जाता है, वहां से उनके बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं और यही कारण है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश और यही कारण है कि एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। और देखिए चारों तरफ हर एक इमारत पर हम बात करें तो कहीं भी लोग खड़े हैं तो राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए वो उतावले नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीर है, राहुल गांधी भी सबका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और बाईपास से होते हुए यात्रा अब ये शहर के अंदरूनी इलाकों से यानी कि जो शहरी क्षेत्र है वहां से गुजरकर अंदर की तरफ बढ़ रही है ताकि हर एक कार्यकर्ता का जो स्वागत अभिनंदन है वो राहुल गांधी स्वीकार कर पाए। दिग्विजय सिंह उनके साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में 5 दिवसीय ये न्याय यात्रा कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाती है। देखिए थोड़ी देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सहयोगी से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, क्लोज शॉट एक दिखाएं किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं। देखिए जयवर्धन एक युवा नेता कार्यकर्ताओं के आगे दौड़ते नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और यही एक युवा नेता में उत्साह भी होता है कैसे अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना है। देखिए खुद ही एक धावक की तरह जयवर्धन सिंह जो युवा नेता है और कमलनाथ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे वो खुद कदम ताल मिलाते हुए थोड़े दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक धावक की तरह, एक सदे हुए खिलाड़ी की तरह आगे बढ़ते हुए जयवर्धन सिंह नजर आ रहे हैं। तो देखिए वो भी जयवर्धन सिंह लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते और दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो बेहद खास तस्वीर और कैसे युवाओं के बीच खुद को ढालना है, उनके भावों को समझना है, उनके साथ जुड़कर आगे बढ़ना है, ये शायद जयवर्धन सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद यही कारण है कि कदम ताल मिलाकर देखिए वो खुद कार्यकर्ताओं के साथ दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और तमाम युवाओं के बीच एक संदेश देने की कोशिश की। जयवर्धन सिंह युवाओं के साथ हैं, राहुल गांधी युवाओं के साथ हैं और कैसे एक युवा सोच को लेकर आगे बढ़ना है, तो शायद यही कारण है कि एक संदेश देने का जो मौका है वो यहाँ पर। देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, वो भी स्वागत सत्कार कर रही हैं राहुल गांधी का। बहुत महत्वपूर्ण दौरा भी इसे इसलिए माना जाए क्योंकि लोकसभा के पहले 5 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी, तो कहीं ना कहीं एक संगठन को मजबूती के लिए, युवाओं को आकर्षित करने के लिए, युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए एक मजबूत विचारधारा के साथ आगे बढ़ने के संदेश देते हुए ये यात्रा है और आज यहाँ से ब्यावरा होते हुए आगे बढ़ेगी जहाँ पर कल 5 तारीख को उज्जैन पहुंचेगी, बाबा महाकाल के दर्शन होंगे, एक आम सभा और 6 तारीख को बदनावर में आम सभा के बाद मध्य प्रदेश से राजस्थान के बॉर्डर
इलाके में वो प्रवेश करेगी। तो देखिए तस्वीरें बेहद खास, हर एक इमारत पर लोग स्वागत सत्कार करते नजर आ रहे हैं और खास तौर से बेहद अच्छी तस्वीर भी यहाँ पर नजर आ रही है कि जयवर्धन सिंह है वो कार्यकर्ताओं के साथ दौड़ते नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। देखिए युवा नेता है जयवर्धन सिंह को भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं और देखिए एक ये युवा का काम होता है सर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ आप भी कदम ताल मिलाकर दौड़ रहे हैं क्या? पहली बार राहुल जी आए हैं सबके लिए बहुत गर्व की बात है। राहुल जी राहुल जी राहुल जी दो मिनट कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है सब साथ चलो क्या एक अलग संदेश देने की एक अलग एक क्या कहेंगे एक अलग संदेश नजर आ रहा है युवाओं में जी जरूर सब लोग राहुल जी को देखने आए हैं जो भी आज विकास रावगढ़ में हुआ है चाहे एनएफएल हो चाहे खेल हो ये पूरी कांग्रेस की देन है। पहली बार राहुल जी आए ये जो रावगढ़ का विकास है बिल्कुल और यहाँ पर एक चीज और देखिए सूरज अभी बाबा साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे फिर जयवर्धन सिंह ने थोड़ा सा उनको डांटा और उसके बाद फिर से राहुल गांधी के नारे लगने शुरू हो गए। बहुत अलग तस्वीर है बिल्कुल तो देखिए युवाओं में जोश भरने का प्रयास भी किया जा रहा है। सूरज तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी खुली जीप में सवार और बहुत महत्वपूर्ण है ग्वालियर चंबल का इलाका सबसे ज्यादा समय इस यात्रा के जरिए दिया जा रहा है। क्षेत्र है इस बार विधानसभा चुनाव में हीरेन सिंह बंटी को जब बीजेपी ने खड़ा किया उसके बाद स्थितियां बहुत बिकट हो गई थी कांग्रेस के लिए जयवर्धन के लिए भी बहुत करीबी मामले में जाकर वो जीत पाए हैं तो ये भी है एक शीर्ष नेतृत्व जब एक बड़ा नेता वहां पहुंचता है तो निश्चित तौर पर उनको भी थोड़ी सी उसमें बढ़त मिलेगी। शुक्रिया आपका सूरज लेकिन ऊर्जा का संचार करने का प्रयास निश्चित तौर पर राहुल गांधी के जरिए किया ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आगे बढ़ते हुए बात